बसो मोरे नैनन में रघुवीर, बसो मोरे नैनन में रघुवीर, नैनन में रघुवीर, नैनन में रघुवीर, बसो मोरे नैनन में रघुवीर, बसो मोरे नैनन में बसो मोरे नैनन में रघुवीर, बसो मोरे नैनन में रघुवीर, नैनन में रघुवीर। आह, मतक मुनि ने मुझे वचन दिया था कि इसी स्थान पर मुझे प्रभु राम के दर्शन होंगे, परंतु कब होंगे, क्यों कर होंगे, कैसे होंगे? आम गूलर में लगे ऐसा कोई साधन नहीं, नीच को दर्शन मिले ऐसे सुलभ दर्शन नहीं, स्वर्ग के स्वामी मेरी कुटिया में कैसे आएंगे? वो तो पावन है, अपावन को कहाँ अपनाएंगे? अंधी नीच चांडाली देखती नहीं कौन आ रहा है? लगी धुन राम दर्शन की, बड़ी आई भगत बन के उड़ाती फिर रही है धूल मारक मेरे सीजन के। धूल नहीं उड़ाती महाराज, झाड़ू लगा रही है। अपावन धर्महीना नीच कुल और नीच जाति हूँ, घृणा की पात्र हूँ, संसार का कूड़ा उठाती हूँ, न साधु संत सेवा का मैं कुछ अवकाश पाती हूँ, इसी कारण सदा मार्ग में मैं झाड़ू लगाती हूँ कि रास्ता चलने वाले को न कोई कष्ट हो पाए, जो आए संत उसके पाँव में कांटा ना लग जाए। बड़ी धर्मात्मा है, संसार के उपकार का बीड़ा तो तूने ही उठाया है और सारा धर्म तेरे ही हिस्से में आया है। चल परे हट, दूर हो, बढ़ बढ़ के ये बातें न कर। अरे तू करेगी संत सेवा, खूब से संतों के डर। महाराज, यदि मैं भगवत भजन में ध्यान देती हूँ तो आपका क्या छीन लेती हूँ? क्या छीन लेती है? अरे दुष्टा, इतना भी नहीं जानती? तू भगवान को धोखा देती है। नीच भी भजने लगेंगे जबकि पावन नाम को, साधु संत फिर बता लेंगे किसके नाम को? उस परम पावन का नाम लेने से तो अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है, महापाप की भी भव सागर से पार हो जाता है। दयालु है, दया दृष्टि कभी इस ओर डालेंगे, महापावन है वो, मुझ नीच को पावन बना लेंगे, बना लेंगे, बना लेंगे। अरे दुष्टा, भगवान जब तेरे घर आएंगे तो आप पवित्र नहीं हो जाएंगे? अरे नीच घर आना भला भगवान को कब भाएगा? जब नीच को ही छू लिया तो धर्म क्या रह जाएगा? तो क्या महाराज, भगवान नीच के कुछ भी नहीं? क्या केवल आपसे ही उनका नाता है? पिता है वो ही सबके और हम सब उनके बालक है, नहीं करते किसी में भेद, वो सबके ही पालक है। मिले हैं सबको साधन एक से भव सिंधु तरने को, है चारों वर्ण केवल अपना अपना कर्म करने को। अच्छा, तो तू अब इतना करने लगी है, अपने आप को साधुओं के समान समझने लगी है? ठहर, जरा ये वस्त्र धो लूं,
फिर तुझसे निपटूंगा। सबरी देखी दादी माँ, दादी माँ, श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी इसी ओर आ रहे हैं। क्या कहा? श्री राम जी और लक्ष्मण जी यहाँ आ रहे हैं। चल झूठी, नहीं नहीं, जो बड़े बड़े योगियों और ध्यान योगियों और मुनियों के ध्यान में नहीं आते वो भला कुछ कंगालिनी की कुटिया में आएंगे। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तू सच कहती है, मेरे प्रभु राम आए हैं, लक्ष्मण लाल आए हैं। मैं धन्य हो गई, मैं क्या करूँ? मेरे लिए, मेरे पास तो उनके पूजन के लिए पुष्प भी नहीं। अब मैं क्या करूँ? प्रभु, 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 मुनि के वचन समझ दिए भाए। मेरे प्रभु, शाल गौर सुंदर दो भाए। सभी परिचर लब आइए। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। आइए विराजिए प्रभु, विराजिए, आइए विराजिए नाथ, विराजिए। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने भाव विभोर होकर आपके चरणों का स्पर्श ही कर लिया और आपके बैठे के स्थान पर अपनी मैली ओढ़नी बिछा दी। अब तो आपको स्नान करना पड़ेगा प्रभु। नहीं शबरी, स्नान कैसा, तुम तो बड़ी पवित्र हो। प्रभु, आप बड़े दीन दयाल हैं, जो मुझ नीच को इतना मान दे रहे हैं। ऐसा ना कहो शबरी, जिसके मन में भक्ति और प्रेम का स्रोत बहता है वो कभी किसी को नीच नहीं कहता। फिर मैं किसी जात पात के बंधन में नहीं हूँ। जो भी मेरी नवदा भक्ति में एक भी पाता है वो मेरे परम धाम को जाता है। यही मेरे दर्शनों का फल है, तुम्हें भी वो फल प्राप्त होगा शबरी। धन्य है प्रभु, धन्य है। अच्छा शबरी, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो ले आओ। भूख लगी है, मेरे प्रभु को भूख लगी है। अभी लाई प्रभु, अभी लाई। ये लीजिए प्रभु, बड़े मीठे बेर हैं, मैं चख कर लाई हूँ। कंदा फूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। कितने स्वादिष्ट बेर है, इनके आगे तो 36 प्रकार के व्यंजन भी फीके पड़ गए। लक्ष्मण, तुम भी चखो। लक्ष्मण, तुमने मेरी भक्ति का अपमान किया है। समय आने पर यही फल तुम्हारी रक्षा करेगा। कहिए प्रभु, आज इस गरीबनी की कुटिया में भूले से ही सही किस प्रकार से आना हुआ? हे शबरी, हम माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनों में आए। हमारे साथ मेरी भार्य सीता भी थी, लेकिन किसी ने उसका हरण कर लिया। तब से हम दोनों भाई उन्हें वन वन खोजते फिर रहे हैं। यदि आप कुछ जानती है तो हमें बताए, हम कहाँ और किधर खोजे। प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर पंपापुर नाम का सरोवर है, वहाँ पर आपकी सुग्रीव जी से भेंट होगी। वे अवश्य आपको जानकी जी के विषय में कोई जानकारी दे देंगे। अच्छा शबरी, मैंने तुम्हें अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान की। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं।